गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज मैं जाने वाली हूँ एक बहुत अच्छी जगह, आपको दिखाने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। यहाँ के ब्रेकफास्ट में इतनी वैरायटीज हैं ना, आई एम टेलिंग यू। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप कहीं पे भी इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो आपको बहुत कम ऑप्शंस मिलेंगे खाने के लिए। तो इतनी सारी वैरायटीज़ में वेजिटेरियन के नाम पे आपको सैलेड मिल जाएगा, आपको सैंडविचेस मिल जाएंगे जिसकी ड्रेसिंग आप खुद करके अपना कॉर्न वगैरह या सॉसेस के साथ आप खा सकते हो। बहुत कम ऑप्शन है, चाय पी लो या फिर जूसेस आपके लिए, बाकी जितने भी आइटम्स थे सब नॉन वेज। एज यू नो कि पटाया इज़ फेमस फॉर द वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो हम भी जो इस समय है वो रेडी हो चुके हैं यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, और हम जा रहे हैं आज कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड का आज हमारा पूरा दिन का टूर है, वहाँ पे जाके हम करने वाले हैं बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़। चलिए आपको वहीं चल के दिखाते हैं। आ चुके हम अपनी डेस्टिनेशन पे, यहाँ पे हमें जाना है अपनी यॉच पे। यहाँ पहले सबसे पहले आप अगर बुकिंग करा के आते हैं तो आपके जो एजेंट्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वो आपके कितने पर्सन के साथ आ रहे हैं वो आपको नंबरिंग देंगे, आपके हैंड पे आपको एक स्टिकर देंगे जिस पे ये लिखा रहेगा कि आपको कौन आगे गाइड करने वाला है, कौन सी यॉच पे आप जाएंगे। धूप बहुत बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप मार्च से लेकर सितंबर तक में थाईलैंड या बैंकॉक का टूर कर रहे हैं तो प्लीज़ आप बिल्कुल सनस्क्रीन लोशन लेके चलिएगा। आप जितनी ज़्यादा अपने आप को कवर अप कर सकते हैं, हैट, अम्ब्रेला, मास्क जो भी हो सकता है वो आप लेके जाइएगा, क्योंकि यहाँ की धूप से आपको सन टैन नहीं होगा, आपका सन बर्न हो जाएगा। तो हम आ चुके हैं इस बहुत ही सुंदर सी जगह पे जहाँ बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट, तो मैं भी जा रही करने स्काई डाइविंग। पहला एक्सपीरियंस है, पहली बार है ये मेरे लिए। उस चीज़ का एक्सपीरियंस जब आप करोगे ना, आप तभी फील कर सकते हो, उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। सेम ऐसे ही मेरे साथ यहाँ पे हो रहा है, इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। ऐसा लग रहा था मैं सातवें आसमान पे हूँ, ऊपर सिर्फ आसमान और एक बार नीचे देखा तो सिर्फ पानी। बहुत अद्भुत वाला एक्सपीरियंस हुआ मुझे। फाइनली मैं नीचे आ चुकी हूँ और जो मैंने फील किया ना, आप खुद आगे फील करना, यहाँ पे मजा ही आ गया। ये लड़की बहुत ही डेयरिंग और एडवेंचरस है, बिल्कुल डर नहीं लगा। ऐसा ये मतलब करने की जैसे ये तो रोज़ करती है। इवन इंडिया में हमने दो तीन ऐसी जगह जब हम वेकेशन पे गए तो हमने काशी के लिए पूछा, बट उन्होंने अलाउड ही नहीं किया कि बच्चों को अलाउड नहीं है। अगर आप ये सब एक्टिविटीज़ बच्चों को भी कराना चाहते हैं ना, तो वहाँ पर हर एक एक्टिविटी बच्चों के लिए अलाउड है। तो ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था उसके लिए भी, उसने बहुत मज़ा किया। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं डरी, बल्कि इनके साथ एक सेफ लाइफ गार्ड भी जाता है जो कि बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पे कितने एक्साइटेड हो, मजा आएगा। तो हम आ चुके थे स्कूबा डाइविंग के लिए, बट स्कूबा डाइविंग नहीं, यहाँ पे हमने की वाटर वॉक आप कह सकते हो इसे। बहुत ज़्यादा पानी जो है क्लीन नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा सब ब्लर आया फोटोज़ में, बट मज़ा बहुत आया। इसके बाद हम जा रहे हैं अपने थर्ड और आखिरी डेस्टिनेशन पे जेट स्काई राइड के लिए।
काश्मीर को करनी थी जेट स्काई, जो कि इंडिया में नहीं हो रही थी, लेकिन उसके लिए वहाँ पे अलाउड थी। तो हमने सोचा क्यों ना ये एक्सपीरियंस उसे यहाँ पे करा दिया जाए। मुझे ना ये करने में बहुत डर लगता है, बट वो बहुत जिंदाज है, ऐसे किसी भी चीज़ में बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। सब चीज़ उसने की वो पानी देखते ही ना काश्मीर को संभालना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। वो लग रहा था इसमें कूद जाएगी, क्या कर लेगी। तो हम और आदि उसके पकड़े हुए थे कि बेटा यहीं पे रहे, क्योंकि वो बहुत आगे तक जा रही थी, थोड़ा रिस्की हो सकता था। यहाँ पे बहुत क्राउड था, बहुत बहुत भीड़ थी, किनारे बहुत सारे कैंप भी लगे हुए थे, धूप इतनी ज़्यादा थी, बहुत लोग रेस्ट कर रहे थे। कुछ अगर खाना हो तो छोटे छोटे वहाँ पे स्टॉल्स भी लगे हुए थे, आप कुछ खा भी सकते थे वहाँ पे। हमें कोरल बीच में हमने आज अंडर वाटर किया और स्काई डाइविंग की थी, बहुत बहुत मज़ा आया। दोनों एक्सपीरियंस लाइफ में फर्स्ट बार थी और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और अभी आ चुके हैं हम सी पर और ये बहुत प्यारा सा सी है, इसका पानी तो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, बट मज़ा बहुत आ रहा है, क्लीन वाटर है ऐसा। हम तो जल्दी एकदम बुला रहे हैं, आज आपने क्या किया, मस्ती किया, मजा आया। हाँ, शाम को हम निकल चले थे, थोड़ा कुछ खाने, भूख लग रही थी, रात के 9:30 बज रहे थे। हमने सोचा इसी बहाने हम पटाया को और एक्सप्लोर कर लें। हमारे होटल के जस्ट पीछे बहुत मार्केट थी और बहुत अच्छी मार्केट थी, जो कि एरोप्लेन मार्केट के नाम से बहुत फेमस है वहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारी मार्केट, जब आप जाएंगे पटाया में तो बहुत सारी आपको रोड पे स्ट्रीट शॉप्स मिलेंगी, स्ट्रीट मार्केट, फूड मार्केट, और वहाँ पे प्यारी प्यारी लाइटिंग्स होगी, तो अलग ही रात का व्यू होता है, बहुत प्यारा सा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट थिंग अगेन सेम, वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत कम है, खाने की वेराइटीज़ बहुत ही, बट सब नॉन वेज। तो हम अच्छा वेज खाना खोजने के लिए आगे बढ़े। यहाँ पे बहुत अच्छा लाइव म्यूज़िक हो रहा था, हमने वहाँ पे थोड़ी देर अपना टाइम स्पेंड किया, बैठे और एंजॉय किया। फिर हम चले पटाया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में, लेट हो चुकी थी, मॉल बंद हो रहा था, तो हमने बहुत ज़्यादा अंदर एक्सप्लोर नहीं किया। यहाँ काश्मीर को मतलब एक प्यारा सा डॉगी काश्मीर बिजी होगी, उसके साथ फ़ोटो क्लिक करा रहे हो। और आज का हमारा ये वाला ब्लॉग यहीं तक, हमने बहुत सारी मस्ती की, आज का दिन हमारा पटाया में बहुत अच्छा था। हम अब जाएंगे बैंकॉक और बैंकॉक में एक्सपीरियंस करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगी। So you keep tuned to my channel. We'll see you in the next vlog very soon. You take care of yourself and your family. Have a nice and wonderful day. Bye-bye. Take care. Sayonara.